12th क्लास के सारे बच्चे पार्टनरशिप में थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। मैंने आपको रिकंस्टिट्यूशन का मतलब बताया था, पुनर्गठन का मतलब बताया था कि पार्टनर अपने पुराने समझौते को, पुराने एग्रीमेंट को बदल देते हैं, उसकी जगह पर एक नया समझौता, एक नया एग्रीमेंट आता है। पुराने सारी टर्म्स एंड कंडीशन, पुराने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, पुराने सारे नियम और नीतियां बदल जाती है, उसकी जगह पर नए नियम, नई नीतियां आती है। पार्टनर वही रहते हैं, फर्म भी वही रहती है और काम भी वही चलता है। अब ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से किसी के हिस्से में फायदा होता है, किसी के हिस्से में लॉस होता है। जैसे ए को पहले 5,000 सैलरी मिल रही थी और बी को सैलरी नहीं मिल रही थी, 10 साल बाद ए ने काम करना बंद कर दिया और बी उसका सारा काम संभाल रहा है, तो अब बी को सैलरी मिल रही है और ए की सैलरी बंद हो गई है, तो क्या होगा? बी को अपनी सैलरी का त्याग करना पड़ेगा, सॉरी, बी को सैलरी मिल रही है, बी को सैलरी से गेन हो रहा है और ए ने सैलरी का त्याग कर दिया, ए को सैलरी सेक्रीफाई करनी पड़ी। तो आज मैं यही सिखाने जा रहा, त्याग और प्राप्ति, सेक्रीफाई एंड गेनिंग। एक कहानी समझिए आप, उस कहानी के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मान लो दो पार्टनर ए और बी, ठीक है, 10 साल तक उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, ओके, ए और बी बराबर 3:2 में, 3:2 में लाभानी प्रॉफिट एंड लॉस बांटते थे, यानी प्रॉफिट का तीसरा हिस्सा 3/5 ए को मिलता था और दूसरा हिस्सा 2/5 बी को मिलता था। मींस आप उसको 3:2 भी कह सकते हो। अचानक से उन्होंने अपने अनुपात में, रेशो में परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि हम अनुपात को, रेशो को बराबर बराबर इक्वल इक्वल बांटेंगे। अब नुकसान किसको होगा? नुकसान तो ए को हो जाएगा, फिर ए को जहां ज्यादा मिल रहा था अब उसे कम मिलेगा, और फायदा किसे होगा? बी को, बी को कम मिल रहा था अब उसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि लाभ प्रॉफिट बराबर बराबर इक्वल इक्वल बट रहा है। इसे कहते हैं त्याग और प्राप्ति, सेक्रीफाइस एंड गेनिंग। ए को अपने हिस्से का, अपने पार्ट का त्याग करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा, और उसने जितना त्याग किया, उसने जितना सेक्रीफाइस किया, उतना बी को मिला, ठीक है। ये होता है त्याग और प्राप्ति। इसके लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशो मीन माइनस न्यू रेशो। अब आपको मैं समझा देता हूं ये क्या है। मैं आपको 4 एग्जांपल समझाता हूं। एग्जांपल नंबर 1, मैं आपको पहले बताया कि मैं आपको सारे एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, ए और बी एक फर्म में साझेदार है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, वे लाभ हानि 2:1 में बांटते हैं, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, ठीक है। इसका मतलब ए और बी दो पार्टनर है और उनका जो अनुपात है, रेशो है, ये 2:1 है। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं? 2/3 and 1/3, और ये उनका पुराना अनुपात है, ओल्ड रेशो। कोई भी अनुपात, कोई भी रेशो अगर आपको शुरू में दिया है तो वो उनका पुराना अनुपात है, पुराना रेशो है, ठीक है। 1 जनवरी 2018 से वे लाभ हानि समान रूप से बांटने के लिए तैयार हुए और 1 जनवरी 2018 दे एग्री प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। मतलब अब उन्होंने क्या किया, उन दोनों पार्टनर ने 1 जनवरी से अपना अनुपात, अपना रेशो बदल दिया। अब उनका अनुपात, अब उनका रेशो बराबर बराबर हो गया, इक्वल इक्वल। तो दो लोगों का इक्वल इक्वल आएगा 1:1, 3 लोगों का इक्वल आएगा 1:1:1, तो ये कैसा आएगा 1 और 1 2, तो ये आएगा 1/2 और 1/3। अब आप देखिए सवाल किस तरीके से आगे बढ़ा। ए और बी दो साझेदार है, दो पार्टनर है, ये आपका एग्जांपल नंबर 1 है। वो दोनों साझेदार, वो दोनों पार्टनर 2:1 में, 2:1 में साझेदारी का लाभ प्रॉफिट एंड शेयर बांटते आ रहे थे,
मतलब ये उनका पुराना अनुपात है, ओल्ड रेशो है 2/1 3, 2/3 एंड 1/3। अब इन फ्यूचर भविष्य में उन्होंने अपना समझौता बदल दिया, अपना जो एग्रीमेंट था वो चेंज कर दिया। अब उनके लाभानि का अनुपात, अब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इक्वल इक्वल बराबर बराबर बांटा जाएगा, और दो लोगों में इक्वल इक्वल मतलब 1:1। तब उनका नया रेशो क्या बनेगा, 1/2 और 1/2। यहां से आप अंदाजा लगाइए नुकसान किसे होगा, नुकसान ए को होगा। ए को अपने हिस्से का त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और बी को उतने ही हिस्से की प्राप्ति होगी गेन, ठीक है, क्योंकि ए को पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिलेगा, और बी को पहले कम मिलता था अब ज्यादा मिलेगा। बोलने का मतलब यहां हमें पूछा है त्याग और प्राप्ति का भाग ज्ञात कीजिए, फाइंड देयर सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो। तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लें आप सभी लोग, जब भी आप लोगों को दो या तीन पार्टनर अनुपात बदलते दिखे, रेशो चेंज करते दिखे, इसका मतलब डेफिनेटली पुनर्गठन हो गया, रिकंस्टिट्यूशन हो गया, और रिकंस्टिट्यूशन होने की वजह से, पुनर्गठन होने की वजह से एक पार्टनर को, एक साझेदार को नुकसान होगा और एक को फायदा होगा। जिसे नुकसान होगा वो त्याग कहलाएगा, सेक्रीफाइस यानी उसने उतना हिस्सा त्याग दिया, उसने उतना पार्ट सेक्रीफाइस कर दिया, किसके लिए, दूसरे वाले पार्टनर के लिए, तो दूसरे वाले को उसकी प्राप्ति होगी गेनिंग। इसके लिए फॉर्मूला है त्याग प्राप्ति का अनुपात, सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ठीक है। मैं क्या करवाता हूं, वैसे इन दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, त्याग का अनुपात सेक्रीफाइस रेशियो का अलग फॉर्मूला है, और प्राप्ति का अनुपात गेनिंग रेशियो का अलग फॉर्मूला है, लेकिन दोनों फॉर्मूले को मैंने एक ही फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आपको निकालना है त्याग और प्राप्ति का अनुपात, सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो, कितने लोग हैं, दो। जब भी पार्टनर अनुपात चेंज करेंगे, जब भी पार्टनर रेशो चेंज करेंगे, एक को त्याग होगा और एक को प्राप्ति, एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और एक को गेन होगा। और कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, कितना गेन हो रहा, कितना त्याग हो रहा, कितनी प्राप्ति हो रही, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी फॉर्मूला ए और बी दोनों के लिए लगाता हूं मैं। पुराना अनुपात ओल्ड रेशो, ए का पुराना क्या है 2/3 माइनस नया अनुपात न्यू रेशो 1/2। बी के लिए पुराना ओल्ड क्या है 1/3 माइनस नया न्यू क्या है 1/2। ए का ओल्ड माइनस न्यू, बी का ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, पुराना माइनस नया, पुराना माइनस नया। अब इसका एलसीएम ले ले, लेकिन अब आप बोलेंगे सर एलसीएम लेके क्या करें, मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, है ना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6। लेकिन एलसीएम 12th क्लास के कई बच्चे ले नहीं पाते, क्योंकि मैथ्स पढ़ना आपने 10th क्लास से छोड़ दिया है, छोड़ दिया है ना, उसके बाद आपका एचसीएम एलसीएम में से ध्यान हट गया है। तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है, आप उसे इस तरह से कीजिए, 3 × 6 3 × 6 नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 4 2 × 4 3 × 3 3 × 3 यहां भी देखिए 3 × 6 3 × 6 2 × 2 2 × 2 3 × 3 3 × 3 पहले नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कीजिए, फिर इसका इससे और इसका इससे बीच में आएगा माइनस, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कीजिए, इसका इससे कीजिए, इसका इससे बीच में आएगा माइनस, ठीक है। 4 में से 3 गया 1/6 और 2 में से 3 गया -1/6, ठीक है। अब एक बात समझ जाए, जितना त्याग आएगा उतनी ही प्राप्ति आएगी, जितना सेक्रीफाइस आएगा उतना ही गेनिंग आएगा। जैसे मैंने अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर राम को दिए, मतलब मेरा त्याग, मेरा सेक्रीफाइस कितना है 100 रुपीज, तो राम की प्राप्ति, राम का गेनिंग कितना होगा 100। मैंने जितने दिए उतने ही तो उसे मिलेंगे, जितना मेरा त्याग है, जितना मेरे सेक्रीफाइस है, उतनी ही उसकी प्राप्ति है, उतना ही उसका गेन है, तो दोनों सेम है। लेकिन त्याग कौन कर रहा और प्राप्ति कौन कर रहा, सेक्रीफाइस कौन कर रहा और गेनिंग कौन कर रहा, ये पहचान में कैसे आएगा, इसका आंसर प्लस में आया वो त्याग करेगा सेक्रीफाइस, और जिसका आंसर माइनस में आया और प्राप्ति करेगा गेन, ठीक है। तो यहां ए त्याग करेगा सेक्रीफाइस 1/6 का,
और बी को प्राप्त होगा गेन होगा 1/6, यानी ए ने 1/6 का त्याग कर दिया सेक्रीफाइस, उतना ही हिस्सा उतनी ही प्राप्ति किसी बाहर वाले को नहीं बी को मिली इस टाइप से। अब आप बोलेंगे सर प्लस माइनस का फंडा क्या है, आप फॉर्मूला क्या लगा रहे, पुराना माइनस नया, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर रहे, ठीक है। तो यह एक बार ध्यान रखें, जो आंसर प्लस में आएगा वो त्याग करेगा सेक्रीफाइस, और जो आंसर माइनस में आएगा वो प्राप्ति करेगा गेन। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही होती है, देखिए लिखा भी है, जब त्याग का अनुपात ऋणात्मक हो तो लाभ प्राप्ति का अनुपात होगा। बोलने का मतलब यह है कि अगर आंसर माइनस में आया तो वो प्राप्ति करेगा गेन, प्लस में आया तो त्याग करेगा, ठीक है, गेन करेगा। ये ध्यान रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी 3:2:1 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। ए बी सी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। एग्जांपल नंबर 2 है आपका, यानी ए बी सी शुरू से 3:2:1 3:2:1 में लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस बांटते आ रहे हैं, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6, ये उनका पुराना अनुपात है, ओल्ड रेशो, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 से वे भविष्य में समान अनुपात में लाभ हानि बांटने का निश्चय करते हैं। दे आर डिसाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल, मतलब उन्होंने इन फ्यूचर भविष्य में तीनों पार्टनर ने अपना अनुपात अपना रेशो बराबर बराबर इक्वल इक्वल बांटने का डिसाइड किया। अब तीन लोगों में इक्वल इक्वल कैसे आएगा, 1:1:1 यानी 1/3 1/3 1/3, ये उनका नया अनुपात है, न्यू रेशो। क्या मतलब रहा इस क्वेश्चन का कि एबीसी 3 साझेदार है, 3 पार्टनर है, उनका पुराना अनुपात पुराना रेशो ये था, इन फ्यूचर भविष्य में उनका नया अनुपात नया रेशो बराबर बराबर इक्वल इक्वल हो गया, मतलब 1:1:1। तो बताइए किसे कितना त्याग हुआ, किसे कितनी प्राप्ति हुई, किसे कितना गेन हुआ, किसे कितना सेक्रीफाइस हुआ। तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अब ये फॉर्मूला 3 लोगों के लिए लगेगा, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ए का पुराना, ए का ओल्ड, बी बाय 6 माइनस नया 1/3, बी का पुराना, बी का ओल्ड, 2/6 माइनस नया 1/3, और सी का पुराना, सी का ओल्ड, 1/6 माइनस नया न्यू 1/3, ठीक है। पुराना माइनस नया, ओल्ड माइनस न्यू, पुराना माइनस नया, ओल्ड माइनस न्यू, पुराना माइनस नया, ओल्ड माइनस न्यू, ओके। अब इसका जब एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम 6 आएगा, लेकिन मैं एलसीएम के हिसाब से इसे नहीं करवा रहा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम कई बच्चों को लेते नहीं आता है, हम इसे एलसीएम के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, ठीक है। 2 मिनट, थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, तेज हवा चल रही है, थोड़ा स्टॉप कर देता हूं। चलिए एलसीएम से मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एलसीएम लेने में बच्चे नॉर्मली मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैथ्स पढ़ना हमने बहुत पहले छोड़ दिया है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 6 3 18, 6 3 18, 3 3 9, 3 3 9, 6 1 6, 6 1 6, यहाँ भी 6 3 18, 6 3 18, 3 2 6, 3 2 6, 6 1 6, 6 1 6, 6 3 18, 6 3 18, 3 1 3, 3 1 3, 6 1 6, 6 1 6। देखिए क्या होगा, 9 में 6 गया, 3/18, 3/18, 6 में 6 गया, 0/18, 0/18, और 3 में 6 गया, -3/18, -3/18। आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 3 1 3, 3 6 18, 3 1 3, 3 6 18, प्लस में आया, यहाँ तो 0 हो जाएगा,
और इसे भी कैंसिल कर सकते हो, 3 + 3 = 18, तो जो प्लस में आया वो त्याग करेगा सैक्रिफाइस, और जो माइनस में आया वो प्राप्ति करेगा गेन, और जो जीरो आया ना वो त्याग करेगा ना प्राप्ति करेगा, नो गेन नो सैक्रिफाइस। एग्जांपल है, आप देख सकते हो, मतलब यहाँ ए अपने हिस्से का, अपने पार्ट का त्याग करेगा सैक्रिफाइस, यानी ए इतना हिस्सा इतना पार्ट सैक्रिफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है, किसके पक्ष में, किसके फेवर में, सी के फेवर में, यानी सी को उतना हिस्सा मिल रहा है, इसका बी पर कोई असर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी ए ने जो त्याग किया, ए ने जो सैक्रिफाइस किया, वही सी को मिलेगा, सी को मिलेगा, बी पर इसका कोई असर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम एग्जांपल थ्री भी करके देख लेते हैं, मैं फोर एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ, लेकिन अब मैं एक चैलेंज भी आपको देता हूँ, अगर ये फोर एग्जांपल आपके समझ में आ गए तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आप करने की कोशिश करो, चैलेंज एक्सेप्ट है, तैयार है। वैसे भी अगला वीडियो मैं वो 6 क्वेश्चन में करके दिखाने वाला हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आज ये 4 एग्जांपल करने के बाद सेम सेम मींस पूरे के पूरे ऐसे के ऐसे क्वेश्चन है आपके 1 से लेके 6 तक, ओके। एग्जांपल 3 देख लिया, वेल क्लास के बच्चे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, मुझे पता है, और करके दिखाते हैं। जब मेरे पास बच्चों के किए हुए क्वेश्चन आते हैं तो खुशी होती है कि बच्चे कर रहे हैं, लेकिन आज ज्यादा खुशी होगी क्योंकि आज मैं केवल 4 एग्जांपल करवा रहा हूं, उसके बदले 6 क्वेश्चन आप लोग करोगे, यानी इस टॉपिक के 10 क्वेश्चन और एग्जांपल और 6 क्वेश्चन, ओके। अमर और अजहर 3:2 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। अमर एंड अजहर आर पार्टनर, देयर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, यानी यार दो पार्टनर है अमर अजहर, उनका जो अनुपात है रेशो है 3:2 है, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3/5 और 2/5, ये आपका एग्जांपल नंबर 3 है, और ये उनका पुराना अनुपात है, ये उनका ओल्ड रेशो है, शुरू में जो दिया है वो पुराना अनुपात है, ओल्ड रेशो, ठीक है। आगे लिखा है वे भावी अनुपात 3:1 निश्चय करते हैं, दे आर डिसाइडेड देयर फ्यूचर रेशियो 3:1, यानी अमर और अजहर अपना नया अनुपात न्यू रेशियो डिसाइड करते हैं 3:1, ये उनका नया अनुपात है, ये उनका न्यू रेशियो है 3:1 4, 3/4 और 1/4, ठीक है। और आपको बताना है त्याग प्राप्ति का अनुपात, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, किसने त्याग किया, किसने प्राप्ति करी, किसको सैक्रिफाइस करना पड़ा और किसको गेन करना पड़ा, तो ये फॉर्मूला लगा दे आप, त्याग प्राप्ति का अनुपात सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी फॉर्मूला दो लोगों के लिए लगेगा, अमर के लिए और अजहर के लिए, शॉर्टकट लिखा है मैंने, अमर का पुराना, अमर का ओल्ड 3/5 है, माइनस नया न्यू 3/4, अजहर का पुराना, अजहर का ओल्ड 2/5 है, माइनस नया न्यू 1/4, ठीक है। अब आप इस टाइप से करें, 5 * 4 = 20, 5 * 4 = 20, 4 * 3 = 12, 4 * 3 = 12, 5 * 3 = 15, 5 * 3 = 15, यहां भी 5 * 4 = 20, 5 * 4 = 20, 2 * 8, 4 * 2 = 8, 5 * 5, 5 * 5, तो ये आएगा -3/20 -3/20, और ये आएगा +3/20 +3/20, ठीक है। अब जिसका आंसर प्लस में आया वो त्याग करेगा सैक्रिफाइस, और जिसका आंसर माइनस में आया वो प्राप्ति करेगा गेन, ठीक है। यानी यहां पर अजहर 3/20 का त्याग कर रहा है, 3/20 को सैक्रिफाई कर रहा है, और उतना ही हिस्सा अमर को प्राप्त हो रहा है, अमर को गेन हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने है, आप देख सकते हो, इससे अच्छे तरीके से आपके बुक में समझ में आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4,
चलिए एक्स वाई जेड तीन साझेदार है, तीन पार्टनर है, उनका पुराना अनुपात ओल्ड रेशो ये है 4:8, 3:8, 1:8, ठीक है। भविष्य में फ्यूचर में उनका नया अनुपात नया रेशो क्या होने वाला है, ये उनका पुराना अनुपात है ओल्ड रेशो है, और ये उनका नया अनुपात है म्यू रेशो जो आपको दिया है 5:12, 4:12, 3:12। साझेदारों ने पार्टनर में अनुपात बदला रेशो बदला, इससे क्या होगा, एक को त्याग होगा, एक को सेक्रीफाइस होगा और एक को प्राप्ति होगी, एक को गेन होगा, देखते क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये फॉर्मूला लगा दें, ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको ये फॉर्मूला तीन बार लगाना पड़ेगा क्योंकि तीन पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड। चलिए एक्स का पुराना एक्स का ओल्ड 4:8 माइनस नया न्यू 5:12, वाई का पुराना वाई का ओल्ड 3:8 माइनस नया न्यू 4:12, और जेड का पुराना 1:8, 1:8 माइनस न्यू नया 3:12, 3:12। और अगर देखा जाए तो 12 और 8 का जो एलसीएम आएगा, 12 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा 24, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एलसीएम बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने एक दूसरी ट्रिक सोची है इस टाइप से 12 8 96 12 8 96, 12 4 48, 12 4 48, 8 5 40, 8 5 40, ठीक है। 12 8 96 12 8 96, 12 3 36, 12 3 36, 8 4 32, 8 4 32, 12 8 96 12 8 96, 12 1 12, 12 1 12, 8 3 24, 8 3 24। आप इसे माइनस कर दीजिए, ये आएगा 8 बटे 96, 8 बाय 96, ये आएगा 4 बटे 96, 4 बाय 96, और ये -12/96 -12/96। अब आप इन सबको और छोटा कर सकते हैं, इन सबको आप 4 से 4 से काट सकते, कैंसिल कर सकते, इसे 4 से कैंसिल करोगे, 4 से कैंसिल करोगे तो 2 आएगा, इसे 4 से कैंसिल करोगे तो 24 आएगा, 24 आएगा, ठीक है। इसे 4 से काटोगे, 4 से कैंसिल करोगे तो 1 आएगा, इसे 4 से कैंसिल करोगे तो 24 आएगा, 24 आएगा, इसे 4 से कैंसिल करोगे तो -3 आएगा, और इसे 4 से कैंसिल करोगे, 4 से भाग देंगे तो 24 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में आया, ये भी प्लस में आया, और ये माइनस में आया, जो प्लस में आया वो त्याग करेगा सेक्रीफाइस, ये भी आपका त्याग करेगा सेक्रीफाइस, और जो माइनस में आया उसको प्राप्ति होगी गेन। मतलब क्या है इसका, एक्स ने 2/24 2/24 का त्याग किया सेक्रीफाइस किया, वाई ने भी 1/24 1/24 का त्याग किया सेक्रीफाइस किया, और 2/24 और 1/24 इस प्रकार से 3/24 3/24 किसे मिला, जेड को। इसने त्याग किया, इसने सेक्रीफाइस किया, इसने भी त्याग किया, इसने भी सेक्रीफाइस किया, इन दोनों के हिस्से कम हो गए, इन दोनों के पार्ट कम हो गए, तो किसके पास जाएंगे, जेड के पास, तो 1/2/24 और 1/24, 1/24 और 2/24 कुल मिलाकर 3/24 का त्याग किया जा रहा है, सेक्रीफाइस किया जा रहा है, तो किसके पास जाएगा, जेड के पास, जेड को प्राप्ति होगी गेन। बस ये फंडे का ध्यान रखना, इसका प्लस में आंसर आया वो त्याग करेगा सेक्रीफाइस, इसका माइनस में आंसर आया वो प्राप्ति करेगा गेन। और अब आप लोग इतने क्वेश्चंस के थ्रू शुरू के 6 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ओके।